मुख्यमंत्री पशु स्वास्थ्य योजना के तहत घूमता फिरता पशु चिकित्सा पतक का लोकार्पण कार्यक्रम पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार इनके हाथों किया गया। इस दौरान केदार बोले, राज्य सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा यह उपक्रम चलाया जा रहा है, जिसका निश्चित ही पशुपालकों को फायदा होगा। पशु संवर्धन विभाग के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है, जिसका नया पर्व शुरू किया जा रहा है, जो कि काफी आनंद की बात है। पशु संवर्धन विभाग एक खेती से जुड़ा हुआ बड़ा विभाग है। पशु संवर्धन विभाग के अस्पताल हर गांव में नहीं होते, वहां इस घूमते फिरते पशु चिकित्सा पतक का बड़ा फायदा होगा। कई बार किसानों को बीमार पशुओं को पशु अस्पताल तक ले जाना भी नामुमकिन होता है, अब लोगों को अपने पशुओं का इलाज करना आसान होगा, ऐसा भी मंत्री केदार इन्होंने इस लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान कहा। पशु संवर्धन विभाग मध्ये अत्यंत महत्त्वाचं पाऊल आहे आणि आम्हा सगळ्याला आणि या डिपार्टमेंटचा मंत्री नातं आम्हाला त्या ठिकाणी आज एक वेगळं नवीन पर्व सुरू करण्याचा आम्ही सगळेजण आनंद व्यक्त करतो आहे। आतापर्यंत आपल्या सगळ्याला माहिती की ग्रामीण भागाची अर्थव्यवस्था ही शेती और शेतीवर सलग असलेले जे उद्योग असतात तो पशुसंवर्धन विभाग सगळ्यात मोठा आहे आणि ह्या विभागाला महत्त्वाची भूमिका विभागासोबत मदत करण्याचे दृष्टिकोन ठेवून हा राज्य शासनाच्या माध्यम उपक्रम राबत आहे। मी साधारणतः आपल्याला एक उदाहरण देतो, त्याच्यावर अंदाज येईल की याची किती नितांत गरज आहे। पशुसंवर्धन विभागाचे दवाखाने प्रत्येक गावात नसतात, त्या त्या एरियाचं मोजमाप करून त्याचं भौगोलिक परिस्थिती, तिथे असलेली त्या ठिकाणी असलेल्या ॲनिमल लाईफ स्टॉकचा हिशोब हा म्हणून त्या ठिकाणी आम्ही ते दवाखाने देतो। पण पुष्कळदा त्या दवाखान्यापर्यंत हा जनावर नेणं, मग ते गाय असो म्हैस असो, तुमची जितके पशु आहे त्या दवाखान्याला नेतपर्यंत मोठ्या अडचणीला तोंड द्यावं लागतं। साथ ही इस समय केदार बोले कि बर्ड फ्लू से जो भी पक्षियों की मौत हो रही है, उससे बाजार में जिस तरह कीमतें गिरती है, उसका नुकसान इन पशुपालकों को होता है, जिसके लिए इंश्योरेंस निकालने की अपील भी पोल्ट्री धारकों को की गई है। बाइट सुनील केदार। मुख्यमंत्री पशु स्वास्थ्य योजना के तहत घूमता फिरता पशु चिकित्सा पथक लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान सुनील केदार इन्होंने पत्रकारों से विविध मुद्दों को लेकर बातचीत की है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिज देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।